अगर कुछ झारखंड में घटना अगर देवेंद्र नाथ महातो को मापियाओं ने धमकी दिया है अगर देवेंद्र नाथ महातो को कुछ हुआ जोगेश चंद्र भारती को हुआ या तमाम जितने भी मनोज यादव कुछ हुआ या तमाम जितने भी लोगों का अगर कुछ होता है तो सारा सरय उसको सिरे जाता है लेटर लिख कर हम जाएंगे सोच लीजिए भारती कौन है जब सरकार से टकरा सकता है तो जयसन से क्यों नहीं टकरा तुमसे क्यों नहीं टकरा सकता किया है हरकत हम लोग के छात्रों पास भड़काता है कोर्स बेचता लॉन्च करता है फिर प्रोटेस्ट करवाता है उसके बाद हमी लोगों के पास करवाता कर है केस करवाता है और सोच लीजिए अटेम्प टू मर्डर जिंदगी में नौकरी ना लग सके ऐसा किया है वो कैंसर पीड़ित से मर जाएगा आदमी मैं उस जयचंद से बोलना चाहता हूँ उस जापानी लगाने वाला समय बोलना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए क्योंकि वही एफ करवाया है करवाया मेरा पास प्रूफ आ चुका है नमस्कार जोहार आज बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ मोराबादी ग्राउंड में कड़कती ठंड पे आप देख रहे हैं तमाम छात्र है जो जैसे सी की तैयारी करते थे और जैसे कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे जब पेपर लीक हुआ था रद्द करवाने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं और मैं उसको कवरेज करने गया था इन तमाम कुछ लोगों पर एफ किया गया उसके मैं बता दू एफ किसके द्वारा कराया गया मैं बता दू तो वो बाहरी जयचंद हमारे साथ योगेश भारतीय छात्र नेता है छात्रों को लीड करते हैं जानने का प्रयास करते हैं किसको केस नहीं हुआ किसको केस हुआ कौन कराया सारा चीज प्रूफ के साथ देंगे जोहार जोहर खतियानी जोहर क्या मामला हुआ क्या प्रूफ आपने सामने आया है देखिए डंकी के चोट पर कहेंगे कि सरकार से एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं निष्पक्ष अच्छा। से लड़ रहे हैं अगर मेरा जान भी चले जाए तो हमको कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे क्यों ना शहीद हो जाना पड़े सबसे पहली बात बोलते हैं कि अट्ठाईस तारीख के पेपर लुक हुआ इक्कीस इकतीस तारीख को देवेंद्र नाथ महातो ने पूरे झारखंड में आह्वान करता है कि नहीं जैसे घेराव होना चाहिए रद्द के लिए लेकिन कुछ जयचंदो ने रात में वीडियो बनाते हैं कि इसको आंदोलन के कैसे तोड़ना है नहीं तोड़ना है जब वो विफल हो गए तो फिर जेसएससी ऑफिस पहुंच गए पहुंचने के बाद क्या किए वो भी काफी उसका आया है या पुलिस को भी बोला है कि दारू पी कर मारा है उसे सस्पेंड होना चाहिए वो भी बोला था ऑटो ऊपर चढ़ के भी बोला है और चढ़ के भी बोला है जबकि वो बाजा बुक नहीं किया था सब चीज नहीं किया लेकिन मेक से वो कैसे चढ़ गया जब अगले बार हम लोग गए थे तो हमको हम लोग को सटने नहीं दिया था और छात्र नेता करके बाइकआउट कर दिया गया तो मैं उज, उस जयचंद से बोलना चाहता हूँ उस जापानी तेल लगाने वाला से मैं बोलना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए क्योंकि वही एफ करवाया है मेरा पास प्रूफ आ चुका है क्या प्रूफ आया है प्रूफ आया है कि व्हाट्सएप

वैसे काम स्टार्ट उसका हो जाएगा जिस प्रकार हम लोग का भी किया गया ठीक अगला आदमी पर होगा इसलिए बोल रहे हैं कि मर्डर मर्डर अटेम्प्ट टू केस सुनिए ना जे अध्यक्ष किया है ना आयोग किया है न एजेंसी किया है कोई नहीं किया है। उस समय सरकार भी नहीं था झारखंड में ना राष्ट्रपति शासन था ना मतलब कि हेमंत सोरेन का खोज रहा था ए, मतलब कि कुछ नहीं था ना सरकार था ना राष्ट्रपति शासन था कोई मतलब झारखंड में माया बाप किसी का नहीं था और वो क्या क्या जो दलाल जयचंद बाहरी जयचंद बोल सकते हैं कि हम लोग के नाम पर एफआईआर जानबूझकर कराया गया है और उन अभ्यर्थों पर करवाया गया कि जेबी केसेस का ताकि की इन लोग छात्र का मतलब को टूट जाएगा और वो आप इतना चला के आप सोच सकते कि इतना ही करता है कैसे कि टारगेट किया जी, जी जी और छात्रों को आप सोच सकते हैं कि छात्रों को एकजुट करता है माइंड वॉश करता है और कोर्स भी बेचता है किताब भी लॉन्च करता है उसके बाद आपको बता रहे हैं करता क्या है की इधर से एग्जाम भी रद्द करवाता है बार बार उसका हाथ रहा चाहे जे के रहो चाहे लैब असिस्टेंट करो चाहे पीजीटी करो सारा एग्जाम उसका रद्द करवाने का हाथ रहता है और केस दावे के साथ बोलते हैं कि वही किया है आप लोग भी केस कीजिएगा केस वो तो समय ही बताएगा कि क्या हम लोग करेंगे नहीं करेंगे स्पेशल प्रेस हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस जारी करेंगे और लगातार पूरे झारखंड में हम बता भी रहे हैं बाइकअ करेंगे अगर केस वापस नहीं लिवाया तो सोच लीजिए वैसे तो वापस हम लोग का के केस हो ही रहा है हो, मतलब कि हो जा रहा है पूरा बातचीत हो रहा है ना सुनने में आया कि पूरा मंत्री विधायक लोग भी आप, आप लोग के तो साथ आप तो सामने हम फोन किसी को भी नहीं समझ सकता है कि की कहा मेरा फोन जाता है नहीं दिल्ली के संसद भवन में बात में अब कहाँ नहीं फोन लगा वो सोच नहीं सकता उसके पास भी पहुंचे हम जानते हैं लेकिन जैसे किया है हरकत हम लोग छात्रों के पास भड़काता है कोर्स बेचता है लॉन्च करता है फिर प्रोटेस्ट करवाता कर है उसके बाद हमी लोग पास एफर करवाता है केस करवाता है और सोच लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर और जिंदगी में नौकरी ना लग सके ऐसा किया है वो कैंसर पीड़ित से मर जाएगा आदमी आपको रियली बोल रहा है उसको सारा छात्रों का शराब पड़ जाएगा उसके मरने के लिए वो तैयार रहे उसका चेहरा भी आप लोग उजागर करिए सब उजागर ए टू जेड करेंगे जैसे कुत्ता कि, किसी घर का कुत्ता लापाता होता है तो कुत्ता मेरा कुत्ता लापाता हो गया उस तरह उसका बोल देंगे की झारखंड में बाहरी जयचंद कुत्ता इस तरह हम लोग साथ गलत हरकत किया है हम सबूत के साथ बोल रहे हैं सबूत के साथ सबूत के साथ हम बोल रहे हैं कि कुछ दिन में जैसे देवेंद्र नाथ मिलता है वैसी होता है अगर कुछ झारखंड में घटना अगर देवेंद्र नाथ महातो को माफियाओं ने धमकी दिया है अगर देवेंद्र नाथ महातो को कुछ हुआ जोगेश चंद्र भारती को हुआ या तमाम जितने भी मनोज यादव कुछ हुआ या तमाम जितने भी लोगों का अगर कुछ होता है तो सारा सरई उसको सिरे जाता है लेटर लिख कर हम जाएंगे कि सारा सरई वही झारखंड में चाहे माफिया से कुछ करवाया चाहे ये चीज करवाया एफ आई करवाया सारा उसका उसका जाता है प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं क्योंकि वही एफ करवाया हम कुछ दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी कर देंगे कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी केस हुआ है मैं भी एक बयान जारी कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और मैं वहां तो छात्र का आंदोलन का प्रोटेस्ट नहीं करने गया था मैं कवरेज करने गया था यूट्यूब और फेसबुक में पत्रकारिता करता हूँ भले मेरा लाइसेंस नहीं है लेकिन मैं बता दू आप लोगों को कि मेरा नाम जोड़ा है मेरे को भी पता चल गया इन लो, छात्रों के साथ उन जय वो जो जयचंद है जो बाहरी जयचंद है उसका खुलासा करेंगे मैं बता दे रहा हूँ वो उसका मुंह काला होगा और वो जो मुंह इस तरह का काला होगा ना जितना झारखंड के छात्र है ना उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उसका ही आ, सोच कर सोचता है नौकरी ले, ले लगा उसका कोर्स पढ़ के उसका ही करके मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नहीं टच करता है एग्जाम में जी ना एक एग्जाम पास कर पाया है ना टीचर है ना कुछ ना पढ़ाने जानता है एक तरह से बोल सकते हैं कि खुला साढ़ की तरह घूमता है खुला साठ जब खुला साढ़ हम लोग देखते होंगे कि इधर उधर घूमता है उस तरह के उनका बिना काम का होता है खुला साठ उस प्रकार का तो आपको बता रहे हैं उसके ऊपर एफ क्यों नहीं हुआ कोचिंग वाले पर क्यों नहीं हुआ बता सब बताइए सबसे ज्यादा अहम भूमिका तोड़फोड़ करवाने में उनका है एस आई टीम गठित हुआ है हम ही लोग बोलने सर हुआ है पुलिस का गर्दन पकड़ा है पुलिस का गर्दन भी बोला, पकड़ा है और प्लस में बोला है कि दारू पी कर मारा है इसको सस्पेंड भी होना चाहिए हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जो जो चंपा सोरेन से उनसे एस आई टी टीम गठित करवाया है एस आई टी टीम में वो जल्द ही खंघाल कर सीसी कैमरा में वो आएगा ही आएगा हम दावे के साथ बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा मेरा देख ले हम कभी भी ना गेट का तोड़े हैं ना शीशा तोड़े ना कुछ ए टू जेड किए है लेकिन वो करवाया है ये आप देख रहे हैं आक्रोशित है हजारीबाग के भी छात्र आए हैं क्या कहेंगे ये जो केस किया गया कहीं कहीं है कहीं ना कहीं टारगेटेड है जेपी केसेस को इसमें जो बारह का पंद्रह का पंद्रह नाम है वो फुली तरीके से टारगेटेड है इसमें हम हजारीबाग से आए थे तीन बस लेकर के आए थे कहीं पे भी उपद्रव करने की कोशिश नहीं हुआ है ना कहीं वैसा उकसाने का भाषण दिया गया ना किसी तरह का कुछ किया फिर भी इसमें मेरा नाम दे दिया गया एक सानिया परवीन करके लड़की है वो इस आंदोलन में आई भी नहीं थी उसका भी नाम दे दिया गया पता तो ये भी चला कुछ लोग उसका नाम पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है तो दूसरी लड़की के कंफ्यूजन में उसका नाम दे दिया गया तो सोच सकते कि कैसे लोग टारगेट करके नाम दे रहे हैं ये तो यहाँ सवाल उठता है दरोगा के ऊपर भी जो केस कर रहे थे उसके ऊपर भी सवाल उठता है कि आप बिना जान पहचान का कैसे केस कर सकते हैं आप ये देख रहे, रहे हैं कि केस करेंगे क्या वो अगर गलत हम लोग साथ किया जो नहीं है और उसके कैसे केस हो गया आप कैसे कर सकते हैं अंदाजी केस उसके ऊपर भी राष्ट्रपति शासन है छह बजे तक वो सीएम भी इस्तीफा दे चुका था आठ बजे केस हुआ है तो किसके आदेश पे वो केस हुआ है ये दरोगा, दरोगा है, है, तो है तो अपना जगह भैया कोई भी तो अपना है कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है दरोगा है तुम कैसे तुम गलत अति करके भाई कर लिया है आप उसके पर भी हम लोग लो जाएंगे कोर्ट जाएंगे हाँ। हाँ। छोड़ेंगे नहीं इसको हाँ। तो जो भी किया छोड़ेंगे नहीं हाँ। देखिए ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है जिस तरह से जैसे मामला में 20 से 23 लाखों का मामला आया था कि एक सीट का है यानी पांच अरब की मामला जिस तरह से सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा था मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मामला बहुत तुल जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लेकर तमाम जगह पर जाएगी आपको मैं बता दूं कि छात्र आक्रोशित हैं छात्र का यही कहना है कि हम लोगों पास जिस तरह से माइंड हम लोग का डिस्टर्ब कर दिया गया है। हम लोग पढ़ पढ़ के दिमाग ऐसे फ्रस्ट्रेट था अभी हम लोग गारा धारा लगी है उसपे फ्रस्ट्रेट हो गए जो हमारे शायर किया गया है इसीलिए तमाम झारखंड वासी कहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए पूरे झारखंड तक और बाहरी जयचंद को पर कर नहीं, नहीं, कर, उसको झारखंड से बाइक रोड होगा वो कुछ भी करेगा झारखंड से उसको कहीं नहीं उसको मुँह काला करके आ, काला जूता पहना के घुराया जाएगा अंदरूनी खबर ये भी है पुतला घुमाया जाएगा अंदरूनी खबर ये भी है की कुछ लोग चाहते एग्जाम हो ही ना वो अपना कोर्स बेचते रहे अपना सिलेबस बेचते रहे अपना सब कुछ करते रहे लेकिन एग्जाम नहीं हो वासी ये भी है करवा के लड़वाते हाँ सब वो हम लोग भी खुद से लड़वा रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए छोड़ेंगे तो है नहीं उसको और और एक चीज मामला सामने आ रहा है की अगर जैसे यू जैसे छात्र नेता लोग आंदोलन करते हैं के बैनर करे तो उन लोगों को दर्द हो जाता है इन लोग क्यों शिक्षक है ना टीचर ना स्टूडेंट तो कौन भाव से आ जाता है भाई अपना लेने के लिए कहा तुम आ जाएगा भाई झारखंड में हम फोरम बोल रहे तो हम ना आएंगे जी तुम कौन होता है भाई इसीलिए झारखंडी बाहरी भित्री करता है सच्चाई है अट्ठाईस तारीख को हम एग्जाम देकर के आए हैं लगा था कि हो जाएगा लेकिन फिर रद्द हो जाता है फिर आंदोलन होता है आंदोलन में कुछ लोगों को टारगेट करके नाम दिया जाता है कहीं ना और कार्रवाई बहुत बड़ी रूप से होगी सब छात्र एकत्रित गए कितना दिन से पड़ेगा जी ऐसे से उम्र तो बुढ़ा जा ही रहा है एक बार झारखंड के लिए लड़ेगा आने वाले वा अपने छोटे भाइयों का भविष्य बर्बाद ना हो इन बाहरी जयचंदों के कारण इसके लिए आंदोलन नहीं अब कोर्ट तक लड़ेंगे और सरकारी कागजातों के साथ सबूत के साथ लड़ेंगे वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि सबूत पकड़ा गया है जैसे सी कार्यालय महागराव में जो एफ गलत तरीका से किया है उसका करवाने वाला का सबूत पकड़ा गया है और इस तरह का जो होती है सीट बिस्ती बे, बेचने वाला भी वही लोग कहीं ना कहीं होते हैं सीट हमको लगता है कि जांच तो नहीं जांच गठित सी आर तो टीम हो गया है तो निश्चित रूप से क्या करता है नहीं करता है उसका सब पता चल जाएगा कितना हिंग तेल लगा है जापानी तल सब उसका निकल जाएगा बाकी जोहार नमस्कार जय झारखंड